IDFC फर्स्ट बैंक पे घर बैठे ऑनलाइन जीरो बैलेंस माइनर अकाउंट कैसे ओपन करना है, इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। ओके, ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। IDFC फर्स्ट बैंक पे आप लोग जीरो बैलेंस माइनर अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो। ओके दोस्तों, और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एम हिंदी टेक चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, IDFC फर्स्ट बैंक पे आप लोग जीरो बैलेंस माइनर अकाउंट ओपन करते हो तो आप लोगों को 6% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। आप लोग जितना बैलेंस रखते हो उसका हिसाब से आप लोगों को 6% इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, और इंटरेस्ट जो मिलेगा वो पर मंथ पे आपका अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएगा। ओके, आप लोगों को एक डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा, वीजा सिग्नेचर डेबिट कार्ड। ओके, आप लोग IDFC फर्स्ट बैंक का ATM से मनी भी विड्रॉल कर सकते हो अनलिमिटेड। ओके, और दोस्तों अकाउंट का जो लिमिट होगा वो 25K, यानी कि 25,000 तक आप लोग अकाउंट पे बैलेंस रख सकते हो, और ये अकाउंट लाइफ टाइम के लिए जीरो बैलेंस मनी अकाउंट होगा। ओके, आप लोग देख सकते हो सब मशीन का फैसिलिटी भी है, और अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो IDFC फर्स्ट बैंक का ATM से। ओके, आप लोगों को ये वीजा सिग्नेचर डेबिट कार्ड भी मिलेगा। ओके, आप लोगों को 250 रुपीज़ कैशबैक भी मिलेगा। ओके दोस्तों, और एक फ़ायदा भी आप लोगों को मिलेगा, ईयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी मिलेगा 1 करोड़ का। ओके, ये अकाउंट ओपन करने के लिए आप लोगों को इसी वेबसाइट पे विजिट करना होगा। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट जरूर कीजिएगा। ओके, ये अकाउंट कौन कौन ओपन कर सकता है, जिसका उम्र 18 साल से कम है वही बंदा ये अकाउंट ओपन कर सकता है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ेगा। पहले नंबर पे आता है पासपोर्ट साइज फ़ोटो और बर्थ सर्टिफिकेट। ओके, बर्थ सर्टिफिकेट के साथ मदर्स का या तो फादर्स का डॉक्यूमेंट्स का भी ज़रूरत पड़ सकता है। ओके, माइनर अकाउंट ओपन करने के लिए फादर्स का या तो मदर्स का सिग्नेचर चाहिए, नहीं तो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तब जाके माइनर अकाउंट ओपन होता है। ओके दोस्तों, आप लोग देख सकते हो माइनर्स सेविंग अकाउंट, ये अकाउंट माइनर अकाउंट ही है। ओके, तो आप लोगों को नीचे आना होगा, आने के बाद में दिख जाएगा ओपन नाउ, इस पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में ये फॉर्म शो हो जाएगा, यानी कि डिस्प्ले हो जाएगा आपका मोबाइल पे। ओके, ये फॉर्म को आप लोगों को फिलअप करना होगा, तो मैं आप लोगों को फिलअप करके दिखाऊंगा। मोबाइल को मैं रोटेट कर लेता हूँ। पहले आप लोगों को सिलेक्ट करना है सेल्फ एम्प्लॉय, फिर आप लोगों को सिटी सिलेक्ट करना होगा। ओके, कौन सा सिटी से आप हो आप लोगों को सिलेक्ट करना है। दोस्तों, सिटी सिलेक्ट करने के बाद में पहले अपना नाम का टाइटल सिलेक्ट करना है, मिस्टर ना मिस हो। ओके, नाम का टाइटल सिलेक्ट करने के बाद में अपना फुल नेम इस पर देना होगा। ओके, फुल नेम देने के बाद में अपना ईमेल आईडी देना होगा, जो ईमेल आईडी आप अकाउंट पे रजिस्टर करना चाहते हो। फिर नीचे अपना मोबाइल नंबर देना होगा, मोबाइल नंबर देने के बाद में सेंड ओटीपी पे आप लोगों को क्लिक करना होगा। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद में मोबाइल पे ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओके, ओटीपी को इस पर आप लोगों को देना है। देने के बाद में आप लोगों को नीचे दिख जाएगा अप्लाई, इस पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। ओके, अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ही नया इंटरफेस डिस्प्ले हो जाएगा, आप लोग शायद स्क्रीन पे अभी देख ही सकते हो। एक रेफरेंस आईडी मिल गया, ये रेफरेंस आईडी को आप लोगों को स्क्रीन शॉट मार के रखना है, नहीं तो नोट पे रखना है। ओके, एप्लीकेशन सबमिट होने के साथ साथ ही 2 आवर्स का अंदर आपका मोबाइल पे कॉल आ जाएगा, कॉल को आप लोगों को एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, जो भी प्रोसेस बताएगा आप लोगों को फॉलो करना होगा। ओके, या तो आपको ब्रांच विजिट करना होगा या तो एजेंट आपका घर पर आएगा, फिर ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। ओके, ये अकाउंट पे बहुत ही फ़ायदा है, मैं सब कुछ बताया, नुकसान थोड़ा भी नहीं है। ओके, आप लोग जीरो बैलेंस माइनर अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो IDFC फर्स्ट बैंक पे आप लोग ओपन कर सकते हो। ओके, डेबिट कार्ड भी मिल रहा है और ये जीरो बैलेंस माइनर अकाउंट ओपन होने वाला है। ओके, आई होप दोस्तों ये वीडियो से आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू। तो ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।